नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। शासन के निर्देश अनुसार दिनांक 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पुलिस झंडा दिवस मनाए जाने के अनुक्रम में आपदा के दौरान जान बचाने एवं आतंकवादियों के खतरों को बेअसर करने के लिए मॉक ड्रिल एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी आम जनता एवं स्कूली छात्रों में NCC कैडेट्स के लिए की। बस 21 सितंबर से 31 सितंबर तक मनाया जा रहा है, उसी के अनुक्रम में मुख्यालय के निर्देशानुसार ये आपदा प्रबंधन बाढ़ बचाव सामग्री का प्रदर्शनी मॉक ड्रिल यहाँ लगाया गया है। इसका उद्देश्य आम जनमानस तक इस सामग्री की उपयोगिता और इसकी जानकारी देना है। इस सामग्री की जानकारी स्कूली बच्चों और NCC के छात्र छात्राओं को भी दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस तक इस सामग्री की उपयोगिता को बताना है कि हम आपदा के दौरान क्या काम कर सकते हैं। ये आप पूरे जिले में दिखाएंगे या पूरे अपने शहर में है काम? मोबाइल में है, मोबाइल प्रकार की है, ये मोबाइल भी है, अभी यहाँ आए स्कूल में भी दिखाएंगे, कई जगह आयोजन करेंगे। आप किस पोस्ट पे, क्या नाम है आपका? मैं RK पेट्रोल डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड गुना। जानकारी होना चाहिए कि सामान किस काम में आता है। जब किसी समय आपदा आती है, संकट आता है किसी प्रकार का, जैसे बाढ़ आती है या किसी का मकान गिर जाता है या फिर से रास्ता रुक जाती है, उस समय के लिए सामान उस समय काम में आता है। पेड़ काटने के काम में भी आता है, मकान की दीवार तोड़ने के काम में आता है। आदमी जब फंस जाता है, जैसे मकान में दब गया, ठीक है ना, तो उस मकान का सामान हटाने के काम में आता है। ये सामान जब सरिया आ रहा है बीच में, तो सरिया को काट के ही निकालेंगे ना आदमी को, उस काम में आता है। ये किसकी तरफ से बता रहे हैं पूरा? ये होमगार्ड्स एवं LTRF की तरफ से है जी। तो ये क्या आप यहाँ हर जगह लगाएंगे? कहाँ कहाँ लगाएंगे? हर जगह, अब स्कूलों में भी लगाएंगे, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, जिससे जनता को जानकारी हो, किसी की कोई समस्या है तो हमको सूचना दे, तो हम उस काम के लिए जा सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रामबाबू रघुवंशी। 24 अक्टूबर को राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स कैंट एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आप काम भी देख रहे हैं, कौन सा उपकरण किस जगह क्या काम में आता है, मैं आपको संक्षिप्त बताना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे हैं तो बोलते हैं आस्था लाइट, इसका ये इमरजेंसी पोर्टेबल लाइट है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दूर से चलता है, तो कहीं भी ले जा सकते हैं रेस्क्यू टॉप में हम, पोर्टेबल रहता है, कैपेसिटी 1 लीटर 1 घंटे में ये चलती है। कहीं भी रात्रि में रेस्क्यू कार्य करती हो, अगर अंधेरा हो जाए तो वहाँ पे हम इसको टावर को पार कर सकते हैं। 10,000 स्क्वायर मीटर इसका छिप्पर रहता है, जहाँ ये पूरा रात्रि में प्रकाश दे सकता है। कि आप ये सेकंड नंबर का जो काम देख रहे हैं वो होते हैं फ्लोटिंग पंप। इसका काम ये है कि जगह अगर पांच कर गया है उसको निकालना है, जैसे कुएं में कई बार कोई व्यक्ति घुस के चला गया तो उसको रिकवरी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसको हम पानी उतारते हैं, इसके अंदर जो इंजन है वो पानी को खींचता है और इस बस के थ्रू हम पानी को बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये हमारा पोर्टेबल जनरेटर सेट है 25 KV का, जिसके अंदर जो हम किसी स्थल पर जब होते हैं तो हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका हम उस दौरान इस जनरेटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर उस सेक्शन तक आप जितने भी मछली देख रहे हैं उनका उपयोग हम कटिंग के जितने भी होते हैं, कटिंग ड्रिलिंग के जो जितने भी हमारे रेस्क्यू टाइप के जो रहते हैं, उन सारे उपकरणों का कटिंग और ड्रिलिंग उसका हम उसमें उपयोग करते हैं। जैसे कि आप सबसे नंबर पहले नंबर से आप देख रहे हैं, इस उपकरण का नाम है RR SAW। RR SAW का मतलब रोटरी रेस्क्यू सॉ। इसमें आप दो तरीके के ब्लेड देख रहे हैं, एक ये ब्लैक कलर में है, एक ये व्हाइट में है। ये जो ब्लेड आप देखिए इसके पास में रखें, ये जो ब्लेड है इसके ब्लेड पे आप देखेंगे बारीक बारीक ये डायमंड लगा हुआ है। डायमंड क्या है, किसी भी चीज़ को काटने की सबसे मजबूत चीज़ मानी जाती है इस धरती पर, तो इन डायमंड का उपयोग अपन कंक्रीट को काटने में करते हैं, इसलिए इसको डायमंड ब्लेड बोलते हैं। इसमें हर ब्लेड पे आप देखेंगे बारीक बारीक पूरे डायमंड लगा हुआ है। इसके बाद ये इस ब्लेड को बोलते हैं एब्रेसिव, इसका उपयोग स्टील या जो लोहा है उसको काटने के लिए उसका उपयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर हमें ये देख रहे हैं,
इसको बोलते हैं डायमंड चेंसा। इस उपकरण को भी हम क्या कंक्रीट की दीवार है, ब्रिक की दीवार है, उसको हम काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो शाइनिंग हो रही है डो बिल्कुल बारीक बारीक सा, इसमें पूरे में डायमंड हीरे जड़े हुए हैं इसमें पूरे में मजबूती के लिए इतना इस पूरी चेन पर, इसको बोलते हैं। उसके बाद ये आप वही चेन है, ये भी चेंसा है, ये भी लेकिन ये डायमंड चेंसा है, इसको कंक्रीट में उपयोग करते हैं, इसको बोलते हैं वुडन चेंसा। ये लकड़ी काटने में काम आता है, ये लकड़ी का काट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ये, इसके बाद ये चिपिंग हैमर है। इस उपकरण का उपयोग किसी मोटी दीवार की छत है या कोई ग्राउंड की फर्सी है कंक्रीट की, उसको काटने के लिए इसको इसका उपयोग करते हैं। इसमें दो तरह की बिट का यूज करते हैं हम, यहाँ से इसका दो तरीके से उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप इस पर आइए, इसको बोलते हैं आरपी सा, रेसिप्रोकेटिंग सा। इसका उपयोग हम लकड़ी जो प्लाईवुड रहती है ना उसको काटने, लकड़ी के दरवाजे रहते हैं या चद्दर के जो दरवाजे रहते हैं, इसका दो तरीके के ब्लेड का उपयोग करते हुए उनको काटते हैं। दो तरीके के आप ब्लेड देखिए, इस ब्लेड का ये छोटा वाला जो ब्लेड है इसको हम मेटल की कटिंग के लिए उपयोग करते हैं, इसका जो बड़ा वाला ब्लेड है इसको हम वुड कटिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद ये कैंची की आप ये देख रहे हैं, ये पूरी ड्रिलिंग मशीन है, हैवी वेट ड्रिलिंग मशीन। किसी दीवार को अपन होल की जरूरत पड़ रही है उसको तोड़ने के लिए ड्रिलिंग की जरूरत पड़ रही है, बस ये इसको उपयोग करते हुए इसमें हम इसको इसमें से चलाते हुए इस तरह से इसको लॉक किया अपन ने इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद यही सेम इसका छोटा वाला रूप है ड्रिलिंग का, ये बड़ी हैवी वेट है इसकी, ये छोटी वेट है, मीडियम साइज का अपन को उपयोग करते हैं। उसके बाद ये सबसे छोटी रहती है, कोई माइनर अपन को कटिंग करनी है तो ये छोटी इसके पूरे कटिंग। उसके बाद ये उससे भी हल्की रहती है, कई बार अपन को कोई कटिंग छोटी इसकी ड्रिलिंग कर ली है कुछ भी करनी है तो ये उसको ऐसे ही, ये स्क्रू ड्राइवर है, कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर है, इसको अपन उपयोग करते हैं। इसकी बैटरी है, इसको चार्ज कर सकते हैं रिमूवल, इसको यहाँ से अपन ने घुसा के ये अपने एक इसकी पूरी 20 फीट लंबाई है, इसमें डबल है इसको चढ़ाने की आप देख रहे हैं तो इसकी 40 फीट तक है, कई जगह में चढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो इस लैडर के हम 40 फीट तक एक बार में जा सकते हैं। उसके बाद हमारी ये देसी औजार है खुदाई के लिए, कभी जरूरत पड़ जाती है, कुदाली है, फावड़ा है, हैमर है, बड़ी चप्पल है, कुदाली है, आरी है। उसके बाद आप ये उपकरण देख रहे होंगे, ये नुकीले के उपकरण है, इनको हम फ्लाई बोलते हैं। इनका उपयोग किसी डेड बॉडी जब पानी में कोई चली जाती है तो उसकी मदद लेते, हमारा सबसे महत्वपूर्ण औजार है ये डेड बॉडी के निकालने के लिए, रिकवरी करने के लिए हम इन फ्लाइयों का उपयोग करते हैं। उसके बाद ये आप सामने देख रहे हैं, ये स्नैक कैचर है, स्नैक पकड़ने के लिए इमरजेंसी, कभी हम लोग क्या है कैंपिंग वगैरह करते हैं तो सावधानी के लिए इसको साफ रखते हैं। उसके बाद आप ये बाढ़ बचाव का सामान देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये जैसा कि आप कभी ने देखा और जानते हैं, तो जानते होंगे लाइफ जैकेट है, इसको पहन के हम रेस्क्यू करते हैं। जो व्यक्ति तैरना जानता है उसकी सावधानी के लिए, जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता है उसकी सावधानी के लिए है, और इसको बोलते हैं लाइफ बॉय। ये भी पानी में कोई व्यक्ति को अगर कोई डूब रहा है तो रस्सी के सारे इसको फेंकते हुए उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। ये दो उपकरण आप जो देख रहे हैं ये आग से बचाने के लिए, इस उपकरण को हम सभी पहचानते हैं, हमारी जो नॉर्मल बिल्डिंग है उसमें रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका उपयोग हम आग बुझाने के लिए जो प्रारंभिक जो आग रहती है इसको बुझाने के लिए करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, आपने सभी लोगों ने देखा होगा, ये फायरवॉल है, ये 70 डिग्री टेम्परेचर पर काम करेगी। जैसे कोई सामान अपना महत्वपूर्ण सामग्री रखी है, डॉक्यूमेंट रखी है, उस जगह पर हम इसको रख देते हैं, अगर बाई चांस उस जगह पर आग लग जाती है तो ये उस उतना टेम्परेचर जितना आग का है 70 डिग्री मैंने बताया आपको, एक अमूमन उस टेम्परेचर पर ही अपने आप ब्लास्ट हो जाएगी, इसके अंदर से पाउडर पूरा केमिकल निकलेगा तो आसपास इतना विस्फोट करेगा कि आसपास पूरे पाउडर फैल जाएगा, पाउडर की लेयर बनते ही आग हो जाएगी, इस तरह वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली काम करेगी, जब करेगी जब इसको कम से कम 70 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा, जैसे अभी ये धूप में रखी है तो नहीं काम नहीं करेगी, का हीटिंग चाहिए। इसके बाद ये आप पूरा एक सेट देख रहे हैं, इस पूरे सेट को हम बीए सेट बोलते हैं, बीए शॉर्ट फॉर्म है, जिसका पूरा फुल फॉर्म रहता है ब्रीथिंग अपरेटस।
ब्रीथिंग अपरेटस के अंदर नेचुरल अपनी जो एयर है वो है, इसमें फ्री हुई है, इसका उपयोग हम उस समय करते हैं जब जब हमें ये पता हो जैसे कुएं में उतरना है उस जगह पर ऑक्सीजन की कमी है, तो हो सकता है उसमें जहरीली गैस हो, तो इसको हम मास्क को पहन के सिलेंडर को इससे कनेक्ट करके इसका जो रहता है पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर, हाँ ऑक्सीजन है सप्लाई उस जगह पर, हम सुरक्षित इसको निकला। इसके बाद आप देख रहे हैं ये लाउड एलर है, फील्ड को नियंत्रित करने के लिए कोई सूचना देने के लिए लाइटें हैं विभिन्न प्रकार की, इमरजेंसी लाइट्स, फायरबॉल बोलते हैं। इसके बाद ये फायरबॉल रेस्क्यू है, किसी भी उनको उड़ाने का होल्डिंग स्टेशन है। आप देख रहे हैं मैनिक्विन है, CPR, लोग आपने सुना होगा CPR देने के लिए अपने जवानों की सिखलाई के लिए हम CPR की ट्रेनिंग देते हैं। CPR क्या है, मैं जैसे ले लें क्योंकि धूप आ रही है, अपोजिट पड़ेगा अंधेरा आएगा। CPR की ट्रेनिंग देने के लिए अपने जानों को सिखलाई के लिए आमजन को CPR का प्रशिक्षण देने के लिए हम इस मैनिक्विन का उपयोग करते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं ये फुट बॉडी हार्नेस है, किसी बिल्डिंग से चढ़ने या किसी व्यक्ति को उतारने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये पूरे शरीर पे इसको पहन के जो इसके कुंडे वगैरह है इस पर वो ताकि किसी व्यक्ति को ऊपर बिल्डिंग से चढ़ा या उतार सकते हैं। ये आप देख रहे हैं बैक ऑफ बॉस का, कभी किसी व्यक्ति को अगर सांस लेने की जरूरत पड़ जाती है तो उसको उसके चेहरे पर रख के उसको आप इस तरह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम सांस अपने सप्लाई कर सकते हैं। ये सेफ्टी के रूम में हमारा फर्स्ट एड किट रहता है, हम लोग रेस्क्यू करने जाते हैं, हमें हमारे किसी साथी को कोई हादसा हो गया है, सामने कोई हमें वो मिला है तो ये फर्स्ट एड किट है, सारे फर्स्ट एड का जितना भी सामान रहता है वो है। इसके बाद ये हम जितने भी उपकरण आपने अभी देखे हैं उनको चलाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी खुद की सुरक्षा करनी पड़ती है, तो हमें खुद की सुरक्षा के लिए जितने भी उपकरण पहनने पड़ते हैं उसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सेट बोलते हैं। तो हेलमेट से लेके आप देख रहे हैं नीचे गम बूट तक ये पूरी PPE किट बोली जाती है, सिर पे धारण करने के लिए हेलमेट है और डस्ट के रोकने के लिए मास्क है, जैकेट है काम करते हुए। इसके बाद ये हाथों में पहनने के लिए आप ये देख रहे हैं PPE ग्लव्स है, ये पैरों में नीले है अपन काम करते हैं कई जगह पहनने के लिए नी पैड है और ये हाथ टू गम बूट है। इसके बाद आप सबसे अच्छा हमारा बार बार का उपकरण है आप देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हमारी ये रबर बोट है, ये पिछले को रबर बोट पिच वो भी है हम बोलते हैं। ये यहाँ का 40 HP हॉर्स पावर का इंजन है और ये सी ईगल कंपनी की हमारी रबर बोट है, ये इंफ्लेटेबल बोट है, इसमें हमने हवा भर के इसको तैयार किया, इसकी हवा भर के फोल्ड करके ये जरा सी फोल्ड हो जाती है, कहीं भी इसको ले जाने में आसानी होती है, तुरंत इसमें हवा इसमें ये हमारा मुफ्त है, इसके थ्रू हम इसमें हवा भरते हैं और हवा भरने के बाद इसकी जो प्लेटें हैं इनको सेट करने के बाद हमारी ये तैयार हो जाती है। ये हमारा ओडीएम इंजन है, पीछे की प्लेट दिख रहा है उसके हम करते हुए इसको कोई भी रेस्क्यू काम करते हैं। जितनी भी हमारी ये सामग्री है हमने आपको डिस्प्ले की है, हम आशा करते हैं कि आमजन में इसको लोगों में जागरूकता आएगी हम काम कैसे करते हैं, इससे हमें सहयोग मिलेगा। एवं मॉक ड्रिल होम गार्ड्स गुना एवं ADERF गुना टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट राजकुमार पत्रोल के नेतृत्व में ये प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस मौके पर धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ADERF PC पैटलूम कमांडेंट, नीतू सिंह मावाई PC होम गार्ड्स, राम बाबू सिंह रघुवंशी मेजर साहब, सुनील शर्मा वाहन चालक ADERF जवान, संजीव रघुवंशी, राधेश्याम कुशवा, राम बाबू मीना, प्रभास शर्मा, देवन बड़ेरिया, विनोद धाकड़, हेमंत यादव एवं सत्य प्रकाश यादव मौजूद रहे।